मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने सकलेचा के गृह क्षेत्र जावर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया और कहा कि सकलेचा पूरी तरह से व्यावसायिक हो गए हैं। उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा का रुतबा अलग था, लेकिन वर्तमान में उनके बेटे एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा व्यावसायिक हो गए हैं और उनके शासनकाल में जावर में ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। हाल ही में जावर जनपद पंचायत अध्यक्ष 50,000 की रिश्वत लेने के मामले को भी दिग्विजय सिंह ने उठाया और कहा कि उनका जनपद अध्यक्ष जब रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया तो अब तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हाल ही में हुए पंचायत सचिव के भ्रष्टाचार के मामले और उससे प्रताड़ित होकर एक व्यक्ति की आत्महत्या के प्रकरण को भी दिग्विजय सिंह ने पत्रकार वार्ता में उठाया और कहा कि सकलेचा के राज में इस तरह के जब कांड हो रहे हैं तो जनता कैसे सुरक्षित रह पाएगी। 10% का कमीशन का खेल खुलेआम चल रहा है।